तो भाई सामने अपने पास 13,70,000 के एक्सट्रीम प्राइस में टाटा कर्व का क्रिएटिव प्लस एस। आज के वीडियो में इस गाड़ी का टोटल जो डिटेल्ड रिव्यू अपन देखने वाले हैं, इस गाड़ी में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और क्या क्या इसमें वैल्यू फॉर मनी चीजें दी गई है। इसमें आपको मिलता है 3 इंजन वेरियंट, जैसे की आप ये वाला देख रहे हैं, तो ये आपको 1.2 लीटर रिवोल्ट्रॉन इंजन जो कि नेक्सॉन में भी आता है वो आपको प्रोवाइड कराया गया है। डीजल और टर्बो पेट्रोल वाला ये वाला गाड़ी जो है नहीं है। 13,70,000 के प्राइस में एक्सरूम की मैं बात कर रहा हूँ। ऑन रोड आप जाएंगे तो मैनुअल में आपको पड़ने वाला है समथिंग 16.5 या 16 लाख तक, ये आपको ऑलमोस्ट जो है 15.5-16 लाख के बीच जो है ये गाड़ी ओवरऑल पड़ने वाली है। सामने से देखने से आप बता ही नहीं पाओगे कि ये टॉप मॉडल है या फिर मिड मॉडल है, क्योंकि सारे के सारे फीचर्स इसमें आपको लोडेड दे दिए गए हैं। बस इसमें आपको एडास सिस्टम नहीं मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा यहाँ पे रेन सेंसिंग वाइपर मिलेगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलेगा, फॉग लैम्प मिलेगा, कॉर्नरिंग रैम मिलेगा, विद यहाँ पे आपको 360 डिग्री जो कैमरा आपको मिल जाता है। ये वाला कलर कैसा लग रहा है मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत ही प्यारा। मैं आपको जो नाम मेंशन करके दे दूंगा, मैं फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ ये जो ब्लू कलर में बहुत ही प्यारा एक नया कलर जो टाटा इस गाड़ी में निकाला है। अक्सर आपने देखा होगा टॉप मॉडल की गाड़ियों में ही आपको टायर साइज जो सेम मिलता है, लेकिन इस गाड़ी के मिड मॉडल में भी 215/55 R18 इंच का यहाँ पे आपको टायर साइज दिया जाता है। 4 व्हील डिस्क ब्रेक यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है विद डायमंड कट अलॉय व्हील। 2500 mm तक यहाँ पे आपको ओवरऑल व्हील बेस मिल जाता है, कर्व यहाँ पे आपको बैजिंग मिल जाती है, ORVM पूरा टॉप मॉडल वाला दिया गया। बस यहाँ पे आपको जो है ब्लाइंड स्पॉट मिरर नहीं मिलेगा, 360 डिग्री कैमरा, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एडजस्टेबल रिट्रैक्टेबल LED इंडिकेटर के साथ ये आपको सब कुछ मिलने वाला है। इस वेरिएंट में भी आपको टॉप मॉडल जैसे चारों डोर हैंडल्स के साथ विद लाइटिंग मिलेगा और डोर गार्निशिंग में पूरा यहाँ पे आपको क्रोम का यूज किया गया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं। तो भाई साइड का तो हमने देख लिया था, रियर से बात कर लेते हैं। रियर में यहाँ पे आपको पूरा कनेक्टेड LED टेल लैंप मिल जाता है विद कर्व की बैजिंग, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर के साथ, मतलब कि मिड मॉडल होने के बाद बिना कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई, ये चीज एक चीज बोलना चाहूंगा। पूरा सारे जो क्लाइडिंग से यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक में मिलने वाला है, रिफ्लेक्टर मिलेगा, पार्किंग सेंसर मिलेगा, नंबर प्लेट के लिए इवन यहाँ पे आपको LED बल्ब दिए जाते हैं, और यहाँ पे आपको मिल जाता है मैनुअल, यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिलेगा, इलेक्ट्रिक यहाँ पे आपको नहीं दिया जाता है। रिक्वेस्ट अंदर यहाँ पे आप ऐसा कुछ देख सकते हैं विद बूट स्पेस ऑफ 400+ लीटर का यहाँ पे आपको दिया जाता है, कोई भी सब ऊपर का यहाँ पे आपको सिस्टम नहीं मिलेगा। स्पेस वगैरह की बात कर लेते हैं, आपको बढ़िया से स्पेस वगैरह भी यहाँ पे आपको दे दिया जाता है, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। भाई रियर का पार्ट तो हमने देख लिया था, अब बारी आती है इस गाड़ी के चाबी कैसे मिले। चाबी जो आपको टॉप मॉडल वाला दिया जाता है सब कुछ मिलेगा, लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेड लैंप्स का बटन, बूट का स्पेस यहाँ पे आपको बूट का ओपन के लिए यहाँ पे आपको दिया जाता है, और यहाँ पे आपको हेड लैंप्स का भी सिस्टम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक टेल के जो ऑफर नहीं किया जाता। कार का तो हमने देख लिया, अब चलते मेन गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर क्या मिलता है आपको, गाड़ी के अंदर बहुत बढ़िया इंटीरियर कलर मिलता है, जैसे कि हमने टॉप मॉडल में देखा था मैरूनिश कलर में आपको मिलता है, इस वाले वेरियंट में आपको ऐसा कुछ ब्लूइश कलर में पूरा इंटीरियर मिलेगा, कलर के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट बैठाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे आपको कोई भी वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलेगा, हाइट एडजस्टमेंट के साथ ये आपको ऑफर किया जाता है बढ़िया तरीके से, और पूरा का पूरा जो फैब्रिक अपहॉल्सरी इस वाले वेरिएंट में क्रिएटिव प्लस एस, मतलब 13,70,000 के प्राइस में ये आपको बढ़िया से पूरा फैब्रिक अपहॉल्सरी मिलने वाला है। तो भाई अपन है जो है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे आपको 4-स्पोक स्टेयरिंग व्हील मिलेगा विद लेदरेट अपहॉल्सरी, और स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं टिल्टी मिलेगा, कोई भी टेलीस्कोपिक ऑप्शन नहीं है, देख सकते हैं। गाड़ी के कलर के साथ यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी कलर पूरा थीम जो है वही रखा गया है। इधर आएंगे पहले इधर समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर, पुट स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ पे आपको मिल जाता है एम्बिएंट लाइट इस तरीके से कुछ। इस वाले मॉडल में आपको पियानो ब्लैक में जो है आपको ऐसा कुछ पूरा जो है ये गार्निशिंग देने की कोशिश की है, लेदरेट अपहॉल्सरी मिलेगा, लेदर नहीं है, लेदरेट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। सेंटर कंसोल में पियानो ब्लैक में टच रेस्पॉन्स पूरा मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है ऐसा कुछ आप देख सकते हैं, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट और USB टाइप सी 5 वोल्ट 3 एम्पीयर का यहाँ पे आपको पूरा सॉकेट मिलने वाला है। ग्लव बॉक्स टॉप मॉडल के जैसे पूरा फुल डीप विद कूल ग्लव बॉक्स यहाँ पे आपको मिल जाता है। एक चीज मेरे को ये गाड़ी में बढ़िया लगा, जैसे कि टॉप मॉडल में आपको वायरलेस चार्जर दिया जाता है, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको उसके जगह बढ़िया सा स्पेस मिल जाता है, जैसे आप स्लाइड करके अपना कप होल्डर का भी मजा ले सकते हैं, और ये वाला जो कंपार्टमेंट है आपका बहुत ज्यादा स्पेशियस मिल जाता है। आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको फैब्रिक अपहॉल्सरी वाला मिलेगा, ऐसा कुछ देख सकते हैं, हैंड ब्रेक इलेक्ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा मैनुअल हैंड ब्रेक दिया जाता है, और ओवरऑल आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। ऑटोमेटिक IRVM इस गाड़ी में आपको नहीं मिलेगा, डे एंड नाइट वाला आपको ऑफर किया जाता है।
जाता है, LED केबिन लैंप। और यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड में आपको टिकट होल्डर मिलेगा, यहाँ पे आपको को ड्राइवर में वैनिटी मिरर दिया जाता है। इस गाड़ी में सबसे बढ़िया चीज बताऊं, पैनोरामिक सनरूफ आपको ऑफर किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही मजेदार। और विथ यहाँ पे आपको LED केबिन लैंप भी आपको ऑफर किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही बढ़िया। लोअर वेरिएंट्स वाले भी जो जिनको लेना है वो उनका भी मजा मिलेगा, पैनोरामिक सनरूफ का उनको भी मजा मिलेगा। अब चलते हैं मेन इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओर, क्योंकि टॉप मॉडल में 12.3 इंच का मिलता है, इस वाले मॉडल में क्रिएटिव प्लस एस में 10.25 इंच का मिलने वाला है, छोटा वाला जो कि नेक्सॉन में आपको मिलता है। थीम वगैरह सब कुछ मिलेगा, जो फॉर्म जो है छोटा छोटा आपको दिया जाता है, बाकी जो ऑलमोस्ट सारे फीचर्स काम करने वाले मूड लाइटिंग वगैरह साउंड डेमो वगैरह आप बढ़िया से देख सकते हैं। थीम जो आपको बढ़िया मिल जाता है, सब कुछ रिस्पॉन्स वगैरह बढ़िया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले के साथ पूरा आपको मिलने वाला है। ठीक, अब आ जाते हैं इस गाड़ी में आपको TPMS वगैरह मिल जाता है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है नेविगेशन वगैरह और मीडिया के कंट्रोल्स, और यहाँ पे आपको मिल जाता है ड्राइविंग से रिलेटेड सारे आपको आपके एनालिटिक्स मिल जाते हैं। सिटी मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड, तीन मोड में आप गाड़ी को रन कर सकते हैं। 6 एयरबैग, ABS, CVT, ESP सब कुछ आपको इस गाड़ी में ओवरऑल ऑफर किया जाता है। भाई टॉप मॉडल वाले वो वाले कलर से ना, ये वाला कलर मेरे को ज्यादा पसंद आ रहा है, और स्टेयरिंग का जो बढ़िया सा लेदरेट अप्रोचिंग में मिलता है ना, ये वाला मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस गाड़ी में कोई भी अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ADAS वाला सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोल मिलेगा, बाकी ओवरऑल पूरा आपको नेक्सॉन वाला विथ वॉइस कमांड फीचर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिया जाता है। अब चलते हैं गाड़ी के रियर की ओर, रियर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बढ़िया से 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का ऑप्शन मिल जाता है, 4 ट्विटर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। रियर के लिए AC वेंट और काफी बढ़िया केबिन स्पेस हो जाता है, आर्मरेस्ट इसमें आपको दिया जाता है, और विद एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, 3-पॉइंट सीट बेल्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंटेन के साथ, ये आपको ऐसा कुछ टाटा कर्व क्रिएटिव प्लस एस मॉडल आपको ओवरऑल जो है मिलने वाला है, ऐसा कुछ आप देख सकते हैं। भाई पैनोरामिक सनरूफ की वजह से ना केबिन स्पेस बहुत ही बढ़िया हो चुका है। और कैसा लगा 13,70,000 के प्राइस में आपको कैसा लगा? अब चलते हैं मेन इंजन स्पेक्स की ओर। इस गाड़ी में मिलता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन रिवोल्ट्रॉन 3 सिलेंडर, जो कि निकालता है 119 BHP, 170 NM का टॉर्क। इंजन थोड़ा सा वाइब्रेशन कर रहा है, बट गाड़ी में कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिल रहा है, तो ये चीज टाटा ने बढ़िया काम किया है। और ABS, CVT, ESP सब कुछ मिल जाता है आपको, और साइलेंट इंजन, कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है। माइलेज की बात कर लेते हैं, माइलेज आपको ओवरऑल गाड़ी में मिलने वाली है 15-16 ओवरऑल बढ़िया से मिलेगा, और आराम से चलाएंगे तो 17-18 भी आपको मिलने वाला है। और बात कर लेते हैं टर्बो डीजल, टर्बो पेट्रोल या फिर डीजल में अगर जाएंगे तो टर्बो पेट्रोल में इससे रिलेटेड मिलेगा, डीजल में आपको थोड़ा बहुत बढ़िया ज़्यादा माइलेज मिलने वाला है। डीजल में आपको मिलेगा 1.5 लीटर का। कैसा लगा ये गाड़ी 13,70,000 के प्राइस में, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं एक और ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।